फ्रेंड्स, मैं हूँ कुसुम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी आएगा, उसे भी दबाइए, जिससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बीटरूट और कैरेट टोमेटो का सूप बनाना बताऊँगी। चुकंदर का सूप बनाने के लिए हमने एक चुकंदर ले लिया है, इसको धो के छील लिया है। चार टमाटर है और टमाटर भी हमने धो लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और एक नींबू का रस और 7 चम्मच चीनी है। आप जैसा मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से डाल सकते हैं। हमने 3 गाजर ले लिया है। इसके रेशे को हम चाकू से साफ कर लेंगे और उसके बाद धो लेंगे। धोने के बाद हम छोटे छोटे टुकड़ों में से काट लेंगे। तड़का के लिए हमने एक तेज पत्ता ले लिया है, 5-6 लौंग है, काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा लहसुन की कलियां। इसमें से 1 से 1.5 चम्मच तक घी डालेंगे। इस तरह से हमने छोटा छोटा चुकंदर को काट लिया है, गाजर टमाटर भी काट लिया है। सबसे पहले एक पैन को हम गरम कर लेंगे, उसमें 1/2 चम्मच घी डालेंगे। इसमें तेज पत्ते को तोड़ के डाल देंगे। अदरक, लहसुन, लौंग, काली मिर्च, एक चम्मच सौंफ भी डाल रही हूँ। तड़का लगाने के बाद इसमें चुकंदर और गाजर डाल देंगे। अब टमाटर डाल के इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो गाजर और चुकंदर को कद्दूकस करके भी भून सकते हैं। अब इसे मिक्स करके 2 मिनट हम ऐसे रहने देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे। अब इसमें 1 छोटी गिलास पानी डालेंगे। इसे ढक देंगे। इस पर ढक्कन लगा के 6-7 मिनट तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। अब इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे छन्नी से छान लेंगे। आप चाहें तो इसे छन्नी से छान सकते हैं, नहीं तो चीनी और इलायची डाल के वैसे भी पका सकते हैं। अब हमने एक भगोने के ऊपर छन्नी रख लिया है। अब इसे छान लेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके छोटी वाली छन्नी से भी छान सकते हैं। वैसे महीन पीस जाता है, इसको छानने की जरूरत नहीं है। अगर मोटा है तो इसे छान सकते हैं। सौंफ वगैरह का बच गया है थोड़ा सा मोटा मोटा भाग। पैन को गरम करके 1 चम्मच घी डालेंगे।
अब इसमें जूस को डाल लूंगी। घी अभी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो पाया है, इसी मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें चीनी डालेंगे। अब इसमें बॉयल आने वाला है, इसे 5 मिनट तक हम पका लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल के मिक्स कर देंगे। अब 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे आप देख रहे हैं घी से कितना अच्छा ब्राइटनेस टेक्सचर आया है। हमने जितनी इंग्रेडिएंट्स को डाला है वह हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बच्चे जैसे भी पसंद करें, कप में या कटोरी चम्मच से जरूर पिलाएं। सूप ठंडा होने के बाद इस तरह से गाढ़ा हो जाता है। यह सूप बना के बच्चों को जरूर पिलाएं, यह बहुत हेल्दी होता है। गाजर चुकंदर का सेवन सूप, जूस, सलाद, हलवा हम कई तरीकों से कर सकते हैं। चुकंदर एक कंदमूल होता है, खून को साफ करके हमारे शरीर को ताकत देता है, ब्लड की सारी कमी को पूरा करता है और चुकंदर में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। यह एक औषधि जैसा है, कब्ज से भी राहत मिलती है और पेट में जो सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं उसको भी आसानी से बाहर निकाल देता है। जब हम चुकंदर के जूस का सेवन करते हैं तो हमारा स्टेमिना 16% तक बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन बढ़ने लगता है और मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं, मस्तिष्क सही से काम करता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।